नमस्कार दोस्तों, जैसे कुछ लोगों के ये कमेंट थे कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसके सामने कुछ लिखा जो सबटाइटल आता है, तो वो जो कैप्शन है उसे हटाने के लिए हम आपको बताएं कि आप जब स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो ऐसे सीसी लिखा आता है, ऐसे उसमें एक ब्लॉक के रूप में होता है। उसी एक बार आप टैप कर देंगे सीसी को, तो वो जो लिखा है वो चीज़ें समाप्त हो जाएगी, यानी जो लिखा आता था वो सबटाइटल वो चीज़ें हट जाएंगी। वो लैंग्वेज के लिए है, वो सबटाइटल है कि जैसे इंग्लिश किसी को मान लीजिए वो नहीं आता है हिंदी, तो हिंदी इंग्लिश मतलब लैंग्वेज चेंज करने के लिए वो चीज़ें लगी हैं। वो जब चाहें आपके हाथ में है उसे हटाना चाहें, तो आप ऐसे सीसी एक बार आप क्लिक करेंगे वीडियो पे, तो ऐसे एक ब्लॉक के रूप में व्हाइट कलर में सीसी आएगा लिखा, उसे आप टैप कर देंगे तो वो चीज़ें हट जाएंगी। ठीक है, जैसे हो सकता है ऑप्शन ना मालूम हो तो, और अगर लैंग्वेज आपको चेंज करना है तो थ्री डॉट्स पे जाकर वीडियो जहाँ क्लिक करेंगे तो थ्री डॉट्स ऊपर है, वहाँ पर जाकर जो है आप वो सबटाइटल में उसके हिंदी और इंग्लिश को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ लोगों के जो ये मांग थे कि इसको इंग्लिश में करने के लिए, तो हमने जो है अभी उसको एक लैंग्वेज के रूप में वो चेंज करने के लिए वह एक ऑप्शन रखा है। और इसमें देखिए, यहाँ पे एक बात और बता दें, ये जैसे जो डायोड लगे हैं, एक ये डायोड और एक यहाँ पे ये डायोड, जो 1 1 N, ये 47 33, और ये 1 N 47 13, ये है हमारा 30 वोल्ट का जीनर है। ये इसमें हम ऐसे निशान लगा दें इसको, ये जीनर हो जाएगा आपका, ये ऐसे, ये हमारा 30 वोल्ट का जीनर है। ये 1 वाट का होता है, ये 30 वोल्ट का जीनर है। और यहाँ पे ये दिखा दें, एक यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी इसके सिंबल को चेंज कर देते हैं। ये जीनर जो है 1N 47 33, ये है 5.1 वोल्ट का, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका 5.1 वोल्ट। ये 5.1 वोल्ट का जीनर हो गया। तो यहाँ पे इसमें जो है दो जीनर लगे हुए हैं, और ये है PNP ट्रांजिस्टर, ये जिसका नंबर है 2N 5401। ठीक है, यहाँ पे ये बैटरी है, इसी टाइप के 12 12 वोल्ट के यानी 12 12 वोल्ट के चार बैटरी लगते हैं। इसके सीरीज में कनेक्शन होते हैं, और इसका कनेक्शन ऐसे होगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे ये निगेटिव है तो यहाँ से ऐसे आप इसको जोड़ देंगे, तो ये अभी यहाँ पे इसको छोड़ देना है। अब देखिए, ऐसे जोड़ देंगे इसको इस बैटरी से, फिर जैसे ही इसको जोड़े हैं ऐसे ऐसे जोड़ दें, ये हो गया सीरीज, फिर इसको ऐसे जोड़ दें ऐसे। अब ये स्टार्टिंग में ये माइनस बचा मतलब है, और लास्ट में ये प्लस। अब ये प्लस जो है इससे जुड़ जाएगा, और ये वाला जो है ये आपका यहाँ जाके ऐसे जुड़ जाएगा इससे। इसी तरीके से इसकी बैटरी की एक लीड के द्वारा इसे कनेक्ट किया जाता है, जो इसके चार्जिंग के लिए निकला होता है, तो वो जाके जो है उसमें सॉकेट में बैठ जाता है, जो प्लस माइनस उल्टा ना हो, इसलिए जो है ये चार्जर में ऑलरेडी ये लगा होता है। तो इसके कनेक्शन ऐसे होते हैं, और ये सीरीज का ये कनेक्शन है। अगर पैरेलल होता तो पैरेलल में क्या होता है कि ऐसे प्लस प्लस को जोड़ दिया जाता है, और ऐसे जो है माइनस माइनस को जोड़ दिया जाता है। ये हो जाता है हमारा पैरेलल, यानी ये नहीं रहता ये वाला, ये तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में क्या होता है, जितना वोल्टेज है ये रहेगा 12 वोल्ट ही, एम्पियर इसमें बढ़ जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो सीरीज में हमारा होता है इसमें जो है वोल्टेज बढ़ जाते हैं, एम्पियर वही रहते हैं। इस वीडियो को हम इसलिए बनाए कि ये इसमें जो लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि सामने बता रहे थे लिखा आ रहा है, तो ये सीसी को बताने के लिए, सबस्ट्रेटर हटाने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट।